हे गाइस, आप सबको नमस्कार। मैं प्रिया, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जमशेदपुर की फेमस मंदिर मनोकामना मंदिर की कुछ झलकियाँ जो नॉर्मल डेज में ऐसे लगती हैं। ठीक है, यह आप मनोकामना मंदिर तो आप देख ही रहे हैं। गाइस, मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि शाम में मंदिर के कपाट खुलने के बाद क्या होता है। माँ का दरबार कुछ इस तरह से दिखता है और फिर इसके जस्ट बगल में आप राइट साइड की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको साईं बाबा का दिख जाएगा मंदिर। यहाँ पे साईं बाबा की पूजा चलती है, यहाँ पे कर्मा जी का भी पूजा चल रही थी, एक्चुअली आज कर्मा पूजा था इसीलिए। और फिर आप थोड़े से आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन कैसे दिखता है। एकदम जस्ट सामने में रोड है, इस साइड में शादी वगैरह पार्टी वगैरह होती है। यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो महादेव जी को मिलेंगे, बाबा जी का शिवलिंग है। आप देख ही सकते हैं, जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फिर यहाँ से आप इधर देख रहे हैं हनुमान जी, जय श्री राम। ऊपर की ओर मूर्तियाँ भी रखी हुई थी सीताराम लक्ष्मण की, महादेव विद फैमिली फोटो, हनुमान जी की। वैसे गाइस, ये वीडियो आपको जो मिल रही है ये आरती से पहले की है, शाम की है। आपको मैं किसी और दिन भी दिखाऊंगी यहाँ की आरती स्पेशल। ठीक है, ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है। ये स्टोर रूम है, आप देख सकते हैं। ये हॉल रूम है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं जो यहाँ पे रहते हैं पंडित वगैरह, उन सब की है। आगे देख सकते हैं आप, गाय भी है, यहाँ पे गाय भी पाला गया है, गाय भी रखा हुआ है। यहाँ आगे एक पेड़ है जिसमें लोग मन्नत बांधते हैं, नारियल से मानसिक किया जाता है। यहाँ पे तुलसी पौधा है जहाँ तुलसी माता को पूजा किया जाता है। यहाँ हवन वगैरह होती है। इस साइड में यहाँ पंडित जी थोड़े से दिख रहे होंगे, वो पूजा कर रहे थे, एक्चुअली पाठ पढ़ रहे थे जो भी अपना। यहाँ पे भी नारियल बांधते हैं और उस जगह नारियल फोड़ते हैं जो कि आप मंदिर में वो नहीं फोड़ सकते हैं, तो आप नारियल यहाँ फोड़ा जाता है। जय माता दी। आप देख रहे हैं बाहर का नज़ारा, देखिए एकदम सामने में है रोड के जस्ट बगल में, ऑन रोड में ही मंदिर।
ये मंदिर काली माटी रोड के एकदम ऑन रोड में है, एक रोड में है। यहाँ आप देख रहे हैं ये मंदिर के सामने में है, यहाँ नारियल वगैरह मिलता है, यहाँ फूल है, रेड कलर का माला भी देख रहे हैं जो माँ को काफ़ी पसंद होता है। आप रोड से जाते हुए भी ऑटो में भी दर्शन कर सकते हैं क्योंकि आपको ऑटो से भी ये मंदिर पूरा दिखता है रोड से भी। तो गाइस, आप लोग को अगर मेरा वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।